हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है, जहां आपको एडमिशन से रिलेटेड हेल्प मिलती है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास वन का प्री फिल्ड फॉर्म दिखाने जा रहा हूं। यह फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपने बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आइए देखते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे, प्लीज़ नोट दैट द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन दिस पेज इज़ बेस्ड ऑन द सबमिटेड एप्लीकेशन डाटा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो डाटा लिख दिया गया है, वही आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो होता ये है, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद एक तरह से आप अपने फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आपने कैसा फॉर्म किया है, कैसा फॉर्म आपने फिल करा है। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद डाउनलोड किया गया, उसकी सॉफ्ट कॉपी है। तो सबसे ऊपर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन केवी। जिस भी केवी में आपको एडमिशन चाहिए, तो उसके केवी का नाम आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है, उसको जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, तो आपके पास एक यूनिक एप्लीकेशन कोड जनरेट होके आ जाता है। ये हर एप्लीकेशन फॉर्म का यूनिक कोड होता है। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन टाइम, फॉर्म आपने कितनी तारीख को और कितने बजे सबमिट करा, उसकी डेट और टाइम मेंशन होके आ जाती है। स्टैंडर्ड अप्लाइड, आपने क्लास वन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था, किस साल के लिए भरा, एकेडमिक ईयर यहाँ पर लिखी हुई आ जाती है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल, ये दोनों क्या चीज़ हैं, जब आपने अपने फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्टर करा होगा, तो रजिस्टर्ड करने से पहले के दौरान आपको आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछता है। तो ये वो दो ही चीज़ हैं जो आपने रजिस्टर्ड करते समय एंटर करी होगी। उस समय आपके पास एक ओटीपी आता है मोबाइल पर, जिस समय आप रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास अवेलेबल हो, इंडियन सिम हो। इसके बाद हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है चाइल्ड की, जो भी चाइल्ड एडमिशन चाह रहा है, उसकी डिटेल्स यहाँ पर नीचे भरी जाती है। बच्चे का पूरा नाम यहाँ लिखा जाएगा, इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, डिफरेंटली एबल्ड यदि बच्चा है या नहीं है, येस या नो, डिफरेंटली डिसेबिलिटी टाइप नॉट एप्लीकेबल, जेंडर में यहाँ पर मेल फीमेल आप बताएंगे, कास्ट कैटेगरी, अगर आप ST SC OBC जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कास्ट मेंशन करनी होगी, वेदर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय, यदि KVS एम्प्लॉय का बच्चा है या ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो उस कैटेगरी को आपको चूज करना होगा। सिंगल कल चाइल्ड, यदि पेरेंट का एक ही चाइल्ड है, वो भी गर्ल है, तो उसको आप यहाँ पर यस या नो में मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है फैमिली इनकम ग्रुप, डू नॉट, जब आप फैमिली इनकम ग्रुप पर क्लिक करेंगे, जब इस पर आप भरेंगे, तो आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें जो भरा हुआ है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। सेकेंड आता है बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, और थर्ड आता है EWS। तो यदि आपकी इनकम जो है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो आप EWS के कैटेगरी के थ्रू आप फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। याद रखें कि आपके पास सरकारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए EWS का। उसके बाद नीचे आता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद नीचे देखेंगे, फादर और मदर की डिटेल फिल की जाती है। तो मदर और फादर यदि एक ही रेजिडेंस पर रह रहे हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम डिटेल्स इसके अंदर भरी जाती है। यदि अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो फादर की डिटेल अलग भरी जाती है, उसका एड्रेस और मदर का एड्रेस यहाँ पर अलग भरा जाता है। याद रखें, मोबाइल नंबर कोशिश करना यहाँ पर मदर का और फादर का डिफरेंट देने का। होता ये है, कभी कभी एडमिशन बच्चे का, जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, तो आपको टेलीफोनिकली बताया जाएगा कि आपका नाम बच्चे का शॉर्टलिस्ट हो गया है, आप आके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। तो यदि यहाँ पर आपके पास दो मोबाइल नंबर है, अगर एक मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ है, तो दूसरे पर कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मदर और फादर की जो मोबाइल नंबर है, वो डिफरेंट डिफरेंट दें। इसके बाद पर्सनल ईमेल एड्रेस, फादर की ईमेल एड्रेस और मदर की ईमेल एड्रेस। उसके बाद ऑक्यूपेशन, फादर और मदर का ऑक्यूपेशन यहाँ पर भरना होता है। इस वाले फॉर्म के अंदर यदि देखेंगे, फादर जो है कैटेगरी 5 प्राइवेट जॉब से बिलोंग करते हैं, उनका खुद का बिजनेस है, परंतु मदर जो है इंडियन रेलवे में काम करती है, ट्रेवलिंग टिकट इंस्पेक्टर है, तो गवर्नमेंट जॉब है इनकी, मदर की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्कूल डिटेल भरी जाती है, स्कूल डिटेल के अंदर स्टेट ऑफ स्कूल 1, तो यहाँ पर स्टेट पहले फिल करी जाती है, स्टेट चूज करा जाता है, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़,
तमिलनाडु, यहाँ पर स्टेट जो भी आप चूज करेंगे तो उसके बाद सामने कॉलम है स्कूल का, तो यहाँ पर उस वाले स्टेट के अंदर जितने केवी अवेलेबल हैं उस लिस्ट में खुल जाते हैं, वहाँ पर आपको अपना केवी चूज करना होता है। जैसे ही आप अपने केवी को चूज कर देंगे, यहाँ पर स्कूल कैटेगरी अपने आप फिल होके आएगा, रीजन अपने आप फिल होके आएगा, स्पॉन्सरिंग एजेंसी भी अपने आप फिल होके आएगा। इसके बाद डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस इन किलोमीटर, आपके घर से लेकर स्कूल का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपका 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम है, या 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, या 8 किलोमीटर से कम है, तो उसको आपको अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है। याद रखें, यदि आप 5 किलोमीटर के अंडर देते हैं अपना एड्रेस, तो इस चीज़ का आपको डॉक्यूमेंट एडमिशन हो जाने के बाद आपको जनरेट करना पड़ता है, देना पड़ता है। जैसे ही आप 5 किलोमीटर के अंडर यहाँ पर चूज़ करेंगे कि मेरा घर 5 किलोमीटर के अंडर है, तो वो एलिजिबल फॉर एडमिशन RTE के अंडर येस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जब आप सर्विस कैटेगरी ये चूज़ नहीं करनी होती, जैसे ही आपने ऊपर वो कर दिया, आपके पेरेंट जो हैं मदर, इस वाले केस में मदर इंडियन रेलवे में काम करती हैं, तो ये क्या है, कैटेगरी 2 की हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाता है। सर्विस कैटेगरी एंड ट्रांसफर्स आर टू बी कंसिडर फॉर एडमिशन, लास्ट इसमें देखेंगे कि मदर या फादर में से आप किस पेरेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं बच्चे के एडमिशन के ग्राउंड पर। तो बच्चे का एडमिशन किस ग्राउंड पर हो, किस पेरेंट के ग्राउंड पर हो, तो यहाँ पर मदर इनकी एक गवर्नमेंट जॉब में है, इंडियन रेलवे में काम करती हैं, तो मदर की प्रायोरिटी के अनुसार यहाँ पर एडमिशन चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मदर या फादर की जो भी है जिस बेस पर आपको एडमिशन चाहिए वो सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है वेदर सेलेक्टेड पेरेंट टाइप हैज़ बिन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स, जो भी आपने ऊपर सेलेक्ट किया, मदर यहाँ पर यदि सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर पूछता है कि पिछले 7 साल के अंदर पेरेंट के ट्रांसफ़र हुए हैं या नहीं हुए। नहीं हुए तो नो पर क्लिक करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। यदि हुए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, तो नीचे यस के बाद ट्रांसफ़र की डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती है। यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सरकारी नौकरी यदि आपकी है, यदि आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, मदर और फादर दोनों ही प्राइवेट जॉब, मदर हाउसवाइफ है, फादर प्राइवेट जॉब में है, तो ये सब आपको कुछ चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कैटेगरी 5 से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी 5 के अंदर आपको कुछ भी ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड आपको बात नहीं करनी, नहीं भरनी। अगली चीज़, यहाँ पर सर्विस कैटेगरी कैटेगरी 5 आ जाएगा। अगर आपके फादर जो हैं, बच्चे के फादर जो हैं प्राइवेट जॉब में हैं, मदर हाउसवाइफ हैं, तो कैटेगरी 5 के अंडर आ जाते हैं। और यहाँ पर सेलेक्ट पेरेंट हुज एडमिशन कैटेगरी ट्रांसफ़र टू बी कंसिडर टू फॉर द एडमिशन, तो यहाँ पर आपको मदर या फादर, फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों ही प्राइवेट जॉब में यदि है तो यहाँ पर मदर या फादर किसी के भी ग्राउंड पर आप एडमिशन करवा सकते हैं, यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं मदर का या फादर का। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, यहाँ पर देखेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन कॉपी को यहाँ पर अपलोड करना होगा। सिमिलरली फोटो ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की फोटोग्राफ भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। याद रखें, फोटो का साइज, स्कैन साइज आपका 256 KB तक ही इसके अंदर मैक्सिमम साइज दिया हुआ है, आप मैक्सिमम 256 KB तक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ओरिजिनल एंड अ कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर एडमिशन, आपके बच्चे का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो आपको इनकी ओरिजिनल कॉपीज लेके जानी है और एक सेट फोटोकॉपी का भी लेके जाना है। किस किस का? नंबर 1 चाइल्ड का बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, बच्चे की फ़ोटो लेके जानी होगी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आपने वहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर मेरा घर है ये आपने डिक्लेयर करा था, तो उसका भी यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट इन केस अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा एडमिशन के दौरान। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा सर्विस सर्टिफिकेट, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने का सर्विस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और आपके ट्रांसफ़र्स हुए हैं, तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र्स पिछले 7 साल के अंदर, उसका भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है। तो ये सब वो डॉक्यूमेंट थे जो आपको एडमिशन के दौरान चाहिए होंगे। इस फॉर्म के आधार पर आपने देखा होगा कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी डिटेल पूछी गई है और क्या क्या डिटेल इसके अंदर भरी जाती है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली और सारी वीडियो एडमिशन से रिलेटेड आप तक पहुंच सके। थैंक यू।